नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज के इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ पूजा सैबर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को उन तमाम बीमारियों से अवगत कराते हैं कि कैसे आप उन बीमारियों को जान सकते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या टेस्ट करा सकते हैं, जिसके साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम डॉक्टर्स। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, जिसके साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रचिता कोहली, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर का स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो इसी के साथ दर्शकों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानते हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को किस तरह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सी न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, प्रेगनेंसी जानने का आप जैसे ही पीरियड से ओवरड्यू हो, ओवरड्यू मतलब जिस तारीख को आपकी मेंसेस की डेट है लास्ट मंथ की, उससे आप एक या दो दिन ऊपर हो, आप प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स जो कि बाजार में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप उनको लेके घर पे बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। उन किट्स में आपको एक या दो मॉर्निंग यूरिन सैंपल्स डालने हैं अपने। एक या दो बूंदे डालने के बाद अगर उसमें एक लाइन आए तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर उसमें दो लाइनें साफ साफ आए या हल्की भी आए तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है। तो ये घर बैठे प्रेगनेंसी जानने का सबसे आसान तरीका। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो लोगों को ये लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो इससे क्या मतलब उनको किस तरीके से मतलब डिफाइन होता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं, उनको पता कैसे चलता है? मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो टेस्ट तो कर लेते हैं, उन्हें पता तो होता है प्रेगनेंसी किट है ये, लेकिन कभी कभी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में वो कन्फ्यूज हो जाता है कि अगर पॉजिटिव है तो क्या वो प्रेग्नेंट है, अगर नेगेटिव है तो शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसका बहुत लोग बहुत ध्यान में रखते हैं और वो कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए, ये जितनी भी किट्स मार्केट में अवेलेबल है इनमें सभी में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, है ना। तो ये डायग्नोस्टिक किट्स नहीं है, मतलब ये पक्का नहीं बोल सकते इन किट्स में। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर रहता है ना, और आप अपने डेट्स के बहुत श्योर हैं, आपको पता है कि एक तारीख को मेरा पीरियड आता है, और आप एक से मान लीजिए चार दिन ऊपर चढ़ गए, आपने किट से चेक कर लिया, मान लीजिए किट में एक ही लकीर आई, तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये किट्स डायग्नोस्टिक नहीं होती, मतलब पक्की नहीं हो सकती। तो आपको डॉक्टर के पास जाके दो तरीके की जांचें होती है, हम इसके बाद करा सकते हैं। एक होती है ब्लड की जांच, बीटा एचसीजी ब्लड की वो जांच होती है जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है बीटा एचसीजी, तो वो हमारा ब्लड टेस्ट होता है। और दूसरी चीज है अल्ट्रासाउंड स्कैन। तो जिन भी लोगों को कुछ भी डाउट होता है किट के बाद या किट में पॉजिटिव होने के बाद भी, हम सभी पेशेंट्स का या जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, हम या तो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं और बीटा एचसीजी करा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इसमें कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। अल्ट्रासाउंड वो जांच है जिसमें हम अच्छे से बच्चे को देख सकते हैं बच्चेदानी के अंदर। तो शुरुआत के दिनों में अल्ट्रासाउंड के बहुत फायदे हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड पक्का प्रूव कर देगा। और समटाइम्स डाउट होता है अल्ट्रासाउंड में तो हम 10 दिन या 15 दिन पीछे ही रिपीट करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बोला कि आप अगर चार दिन अप हो जाते हैं अपने पीरियड डेट से तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर, ऐसा तो नॉर्मल गर्ल्स में भी होता है कि उनकी डेट जो होती है वो आगे पीछे होती रहती है, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर नॉर्मल जो गर्ल्स होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है उनका पीरियड भी मतलब अप या डाउन हो जाता है, डेट 5-6 दिन का फर्क पड़ ही जाता है, तो क्या उन जो नॉर्मल गर्ल्स है उनकी उनमें कुछ दिक्कत है क्या इस वजह से ये होता है आगे पीछे डेट का? देखिए, हर किसी के पीरियड का एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। जैसे किसी का पीरियड हर 28 दिन पे आ जाएगा, किसी का हर 30 दिन पे आ जाएगा, और किसी का 35 दिन 40 दिन तक आता है। तो अगर आपकी साइकिल मेंटेन है, जैसे आपका पीरियड हर 35 दिन पे आता है, हर सवा महीने पे आएगा, तो सवा महीने आपके साइकिल में वो आपके लिए रेगुलर है ना। पर अगर किसी का पीरियड जैसे कि डेट पे आता है, अब वो अगर 10 दिन
इरेगुलर है, तो अगर किसी देखिए शुरुआत में जब पीरियड शुरू होते हैं लड़कियों को तो पहले 6 मंथ्स तो पीरियड वैसे भी इरेगुलर रहते हैं, तो अगर आपका पीरियड इरेगुलर हो रहा है इरेस्पेक्टिव कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी है। प्रेगनेंसी तो एक अलग चीज है, Exactly. आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, पीरियड इरेगुलरिटी अपने आप में एक बीमारी है ना। तो आपका पीरियड देखिए किसी का 35 दिन का हो सकता है तो उसके लिए 35 दिन नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका पीरियड नॉर्मली 28 दिन पे होता है या 30 दिन पे होता है और आपका इस बार 40 दिन पे हो रहा है, मतलब 10 दिन आप चढ़ के हो रही है, तो ये आपके लिए अबनॉर्मल है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए, है ना। आगे का कंसर्न ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठी हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ कि अगले 2 पीरियड सही हो जाए, ये तो फिर गलत हो जाता है। चाहे वो लड़की शादीशुदा है या नहीं है ये तो एक अलग चीज है, लेकिन पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए और हर किसी के पीरियड की साइकिल उसके हिसाब से होती है, जैसे हर किसी का अपना शरीर होता है वैसे पीरियड की साइकिल्स अपने अपने हिसाब से होती है। तो अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है, जैसे आपने पूछा कि अनमैरिड लड़की अगर पीरियड्स इरेगुलर है आपको उतनी तारीख पे या उतने टाइम पे वन नहीं आ रहे, तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर्स कराते हैं। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा डॉक्टर ने बोला अगर आप गर्ल्स हैं और आप अनमैरिड हैं तो फिर अगर आपका पीरियड अप एंड डाउन हो रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने मन से कोई मेडिसिन ना लें और ये ना सोचे कि आगे हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी के साथ डॉक्टर मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूंगी, जो गर्भवती महिला है जैसे उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको 1st मंथ से 3 मंथ तक अपने क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो आपने चेक कर लिया घर पे कि आप प्रेग्नेंट है, अब आप ये प्रूफ हो गया कि आप प्रेग्नेंट है। पहले 3 महीनों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो होती हैं ज्यादातर फीमेल्स को, उसमें से एक नौजिया वॉमिटिंग मतलब जी मिचलाना और उल्टियां, ये बड़ा कॉमन सिम्टम है, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। जी मिचलाना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का सिम्टम है, आप दवाई खाएंगे आपको उल्टियां आना बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाना पहले 3 महीने में बहुत जरूरी है। आपकी जो भी समस्या है, पेट में दर्द है, उल्टी है, कुछ भी, आप अपने डॉक्टर को जाके बताइए और उस हिसाब से वो दवाई लिखेंगे। जरूरी नहीं कि बहुत सारी दवाइयां लिखेंगे, आपके हिसाब से आपको कितना चाहिए। दूसरी बात है कि पहले 3 महीने में कमजोरी, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब बहुत ये कॉमन सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप जाइए, हर चीज का इलाज है। दूसरी बात है कि एक अल्ट्रासाउंड पहले 3 महीने में बहुत जरूरी है। ऐसे कई लोग का ये कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शुरुआत के दिनों में अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, बच्चे को नुकसान करता, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सेफ टेक्निक है जो कि हमें अंदर पल रहे बच्चे के बारे में काफी कुछ बता देती है। सब कुछ तो नहीं बता सकते हम, लेकिन कि बच्चा एक तो बच्चेदानी में है, क्योंकि बच्चा नलों में भी होता है ना, तो बच्चा बच्चेदानी में है। दूसरी बात है बच्चे में धड़कन आ गई कि नहीं, मीन्स बच्चा जिंदा है कि नहीं और बच्चा सही से बढ़ रहा है कि नहीं। हम शुरुआत के दिनों में बिना अल्ट्रासाउंड के ये सब चीजें नहीं जान सकते, तो पहले 3 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी है, जो हमें काफी कुछ प्रेगनेंसी सही होने के बारे में बताता है। तो डॉक्टर जैसे कि आपने बताया अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही जरूरी है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, जैसे डॉक्टर ने आपको समझाया अभी। तो डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी, ये तो आपने लक्षण बता दिए, महिलाओं को ध्यान क्या रखना चाहिए, जैसे अगर वो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स का बेबी है तो उनको अपने अपने शरीर में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या अपनी बॉडी में चेंजेस लाने चाहिए जिससे बच्चे पे साइड इफेक्ट ना पड़े। देखिए, एक पहली चीज, बहुत सारा पानी 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना, और स्पेशली अब तो गर्मी का मौसम आ गया, आप ढेर सारा पानी पिए। पानी सारा पानी ना पी सके, जूसेस एंड फ्रूट्स की तरह पिए। आजकल तो गर्मियों में बहुत ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो पानी में बहुत रिच है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आप खूब खाएं ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। तो पानी पीना अकेले में एक दवाई है, तो आप ढेर सारा पानी पिए। पानी पीने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, बाहर का खाना ना खाएं। मैं अपने सभी मरीजों को बोलती हूँ कि पहले 3 महीनों में स्पेशली आप बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। तला भुना मिर्च मसाले का खाना आप जितना कम कर सके, आपकी प्रेगनेंसी उतनी स्मूथली जाएगी। घर का सादा दाल रोटी सब्जी खाएं, दैट इज द बेस्ट फूड यू कैन गिव टू योरसेल्फ एंड योर बेबी। प्लस कुछ लोगों को गैस की समस्या बहुत हो जाती है प्रेगनेंसी में, है ना, तो उसके लिए भी आप तला भुना मिर्च मसाले का खाना कम कर दे, बाहर का खाना कम कर दे, और चाय, कॉफी, अल्कोहल जो लेते हैं अल्कोहल कम कर दीजिए, लिकर कम कर दीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए।
स्मोकिंग बंद करना, दूसरी बात आपको स्मोक के कांटेक्ट में भी नहीं आ रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो आपको उससे दूर जाना है, ठीक है ना। तो फिर आप अपना प्रेगनेंसी में एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि आप एक बार में पेट भर के ना खाएं, आप अपने मील्स चार या पांच हिस्सों में डिवाइड कर लें। दिन में कम से कम 5-6 बार आपको खाना चाहिए, एक बार में थोड़ा खाना खाएं और फिर पहले ताकि खाना हजम हो सके, फिर अगली बार का खाना लें। और उस खाने में आपके फ्रूट्स एंड जूसेस जरूर होने चाहिए। हर अल्टरनेट मील अगर आपके फ्रूट होगी तो आपका एक डाइट का वो जो बैलेंस है वो बना रहेगा। दूसरी बात है टहलिए, सुबह शाम टहलिए, हर मील के बाद टहलिए, घर में टहलिए, बहुत ज्यादा लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके। कपड़े बिल्कुल पतले कॉटन के, और एक चीज का ध्यान रखना है शुरुआत के दिनों में आपको स्लीपर्स अपने कंफर्टेबल रखने हैं, हील वाले स्लीपर्स आप बिल्कुल ना पहने, ऐसे स्लीपर्स ना पहने जो स्लिपरी हो जिससे आपको गिरने का डर हो। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। दूसरी बात ये कि आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है, 7-8 घंटे की नींद सबके लिए बहुत जरूरी है और यही प्रेगनेंसी में वैलिड होता है। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ नींद की गोलियां होती है जो बड़ी सेफ होती है प्रेगनेंसी में, बच्चे को कोई नुकसान नहीं करती और ना ही हैबिट फॉर्मिंग होती है। नींद ऐसे नहीं होता कि आपने नींद की दवाई लेनी शुरू की तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, नहीं जी, आप ये दवाइयां बड़े आराम से लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद शुरू करें। तो डॉक्टर जैसे आपने बोला कि इसमें गैस की दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी प्रेग्नेंट लेडी हैं जो उनके पैरों में सूजन आ जाती है, वो उसका क्या रीजन होता है? देखिए, एक तो पैर लटका के ना बैठे प्रेगनेंसी में, ये सभी को बोला जाता है कि पैर या तो आप लंबे करके सामने कोई चेयर लगा ले, जैसे लंबे बैठे वैसे नहीं बैठना है आपको, आपको या तो बेड पे बैठना है जहाँ पे आपके पैर पैरेलल रहे, है ना, लटका के नहीं बैठिए। सूजन का एक तो यही बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरी बात है सूजन के दो और कारण होते हैं जो सबसे कॉमन है, ऐसे तो बहुत कारण होते हैं शरीर में सूजन के, लेकिन पैरों में सूजन के प्रेगनेंसी में या तो आप में खून की कमी है या फिर आपका बीपी बढ़ रहा है। तो खून की कमी और बीपी बढ़ना, ये दोनों बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी में जिनकी वजह से आपको पैरों पे सूजन आएगी। तो अगर आपके पैरों में सूजन है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जरूर जाके कंसल्ट करें, अपने टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, डॉक्टर का कंसल्टेशन लें और एडिक्वेट मेडिसिन शुरू करें, जैसे भी आपको जरूरत होगी आपका डॉक्टर उस हिसाब से। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा डॉक्टर ने आपको बताया अभी कि अगर आपको पैरों में सूजन है, आपको कोई सी भी दिक्कत हो तो प्लीज आप डॉक्टर पे जाइए और कंसल्ट करके उनसे मेडिसिन लीजिए। आप अपने मन से सोचकर या केमिस्ट से जाकर मेडिसिन नहीं लीजिए उस टाइम पे, ये आपके लिए बेकार रहेगा और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बेकार रहेगा। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक महीने जो बेबी होता है, फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए प्रेगनेंसी के समय पे? कम से कम जो फॉक्सी बोलता है या जो हमारे जो गायनी की सोसाइटीज होती हैं, इन्होंने जो रिकमेंड किया है, तो प्रेगनेंसी में आपको 3 अल्ट्रासाउंड सबसे ज्यादा जरूरी है। एक अर्ली प्रेगनेंसी में मींस पहले 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड आपका 4th मंथ के आसपास होना चाहिए, ये आपका 11 वीक्स से 16 वीक्स के बीच में होना चाहिए। ये सबसे जरूरी अल्ट्रासाउंड माना गया है क्योंकि 11 से 15-16 हफ्ते के बीच में बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो ये जानने की कोशिश होती है कि बच्चा पूरी तरह बना है कि नहीं। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनमें सिर नहीं विकसित होता या जिनमें स्पाइन में, मतलब रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें होती हैं, हाथ पैर टेढ़े होते हैं। तो ये जो दूसरा, जो ये 4th महीने का जो अल्ट्रासाउंड होता है, 3rd या 4th मंथ के बीच का जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो ये जानने की कोशिश होती है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो पूरी तरह विकसित है। मीन्स उसके हाथ पैर सिर पीठ, जो मोटी मोटी चीजें हम देख सकते हैं, वो सब पूर्णतः विकसित है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। और एक अल्ट्रासाउंड आपका 9th मंथ में जरूर आपको कराना चाहिए। वो कई बार रंगीन अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, बट 9th मंथ का जो अल्ट्रासाउंड है वो आगे आपके डिलीवरी के टाइम पे भी काम आएगा। उसमें बच्चे का वजन, बच्चे के आसपास पानी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो 9th मंथ के अल्ट्रासाउंड में कंफर्मेटरी होती है। तो कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड हर प्रेग्नेंट लेडी के होने चाहिए। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इतनी है, प्राइवेट में तो है ही, तो आप जाइए, कम से कम अपने 3 अल्ट्रासाउंड जरूर जरूर करवाएं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा डॉक्टर ने आपको इतनी जानकारी दी कि आपको अपना कैसे ध्यान रखना चाहिए, कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो दर्शकों, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है सी न्यूज के इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ पूजा सेमर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रचिता कोले जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट कराने चाहिए और आपको मतलब किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानते हैं कि डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 3 से 6 मंथ के बीच में महिलाओं को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनको मतलब जब 3 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद तो 3 से 6 मंथ के बीच में उनको किस तरह अपना ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं उनकी बॉडी में। देखिए, प्रेगनेंसी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, तो उसमें से जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है दैट इज फ्रॉम 3 से 6 मंथ वो कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी में। तो शुरुआत के दिनों में जो परहेज माने जाते हैं या जो करने चाहिए वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके काफी कम हो जाते हैं। तो आपका एक तो शरीर में चेंजेस आने लगते हैं। पहले 3 महीने में आपके शरीर में उतना बच्चा बाहर से नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएंगे और थर्ड ट्राइमेस्टर में आएंगे आपके शरीर में ही बदलाव आने लगेंगे। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है आपके साथ। तो इसमें बेसिकली तो डाइट का वही है, आपको दवाइयां शुरू करनी पड़ेंगी जो डॉक्टर की, आप डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपकी दवाइयां शुरू की है डॉक्टर ने, कम से कम आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन पाउडर्स आपको जरूर लेने चाहिए। तो डाइट प्लान और आपका खाना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, खाना पूरी प्रेगनेंसी में बहुत हल्का होना चाहिए, मिर्च मसाले वगैरह बहुत कम। बाकी आपका जैसे आपका डॉक्टर आपको कंसल्ट करे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि डाइट प्लान में मतलब आप खाना ले सकते हैं लेकिन हल्का ले सकते हैं, लेकिन बहुत सी महिला ऐसी होती है उन्हें जो चटपटा पसंद होता है, वो सोचती है कि बाहर जाके गोल गप्पे खा जाते हैं, भल्ला खा जाते हैं, तो क्या उससे उनकी सेहत पर कुछ फर्क पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, आप वंस इन अ वाइल जाके गोल गप्पे और भल्ले खाएं इट्स फाइन, बट अगर आप रोज खाने लगेंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस, पेट में दर्द, कोलाइटिस जो हम बोलते हैं, पेट का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, हर तरह का इन्फेक्शन, जिससे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम सब दवाइयां नहीं दे सकते, बड़ी कम दवाइयां हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज को दी जा सकती हैं। तो अगर कोई और बीमार पड़े उसको बहुत तरह की दवाइयां होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में दवाइयां एक लिमिटेड होती है, तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत सीवियर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम उतनी गर्म दवाइयां नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा भी है साथ में जिसको जिसका सेफ्टी प्रोफाइल देखना है। तो खान पान का परहेज तो प्रेगनेंसी में इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ जैसे कि जो 3 से 6 मंथ होते हो उसमें महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी है। हर चेकअप में डॉक्टर के पास आपका बीपी, वेट, बीपी वेट और फीटल ग्रोथ, मतलब बच्चा सही से बढ़ पा रहा है कि नहीं, ये क्लिनिकली भी डॉक्टर देखेगा, प्लस अगर स्कैन की जरूरत है, मींस अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, तो अल्ट्रासाउंड से भी फीटल ग्रोथ ये मॉनिटर होना बहुत जरूरी है। वेट गेन जो है प्रेगनेंसी में 8 से 10 kg वेट गेन होता है 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का जो पीरियड होता है। तो आपका वजन शुरुआत में कितना था उससे हम लोग वेट गेन करते हैं। तो हर चेकअप में वेट लेना और बीपी चेक करना ये तो मैंडेटरी है और ये सभी फीमेल्स का। ट्रीटमेंट किस तरीके से लेना चाहिए डॉक्टर? जैसे कि ट्रीटमेंट देखिए डिपेंड करता है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं। ये प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकते हैं। अगर आपकी एक रेगुलर प्रेगनेंसी चल रही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ज्यादातर आयरन और कैल्शियम की गोलियों के अलावा कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें एडिटिव होता है, अगर मान लीजिए आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी थोड़ी बहुत दवाई बढ़ा देगा डॉक्टर। मान लीजिए आपको उल्टियां 3rd महीने या 4th महीने तक बंद नहीं हुई है, तो डॉक्टर थोड़ी उल्टियों की दवाई, थोड़ी गैस की दवाई, तो ये इंडिविजुअलाइजेशन हो जाता है, जिस पेशेंट को जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से दवाइयां लिखी जाती है। डॉक्टर, जैसे कि आपने बोला 3 या 4 मंथ तक जो उल्टियां होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन डॉक्टर ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनमें देखने को मिला है कि लास्ट टाइम तक उनको वोमिटिंग जो है वो रुकती नहीं है, होती रहती है, तो इसका क्या कारण होता है? इसके कारण तो बहुत सारे हैं, स्पेशली तो डाइटरी परहेज नहीं रखती है। मुझे जो देखने में मिला है कि जो भी डाइटरी प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे, मिर्च मसाले वगैरह कम नहीं करेंगे, उनमें ज्यादातर उल्टियां होती रहती हैं। और देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सबका शरीर अलग अलग होता है। ज्यादातर लोगों को 3 से 4 महीने के बाद उल्टियां नहीं होती, पर अगर आपको हो रही है उल्टियां तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप हर खाने के बाद वॉमिटिंग करते रहेंगे तो बच्चे को खाना लगेगा कैसे, दवाइयां कैसे लगेंगी, तो
तो आपको उल्टियां रोकने की दवाइयां लेनी पड़ेगी। तो दर्शकों, जैसे कि आपने जाना, डॉक्टर ने पहले 1 से 3 महीने तक का आपको सजेस्ट किया आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, फिर आपको 6 to 6 सॉरी सॉरी टेक हो गया कंटिन्यू करूं ठीक तो दर्शकों, जैसे कि आपने जाना कि डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको 1 to 3 मंथ तक क्या ध्यान में रखना चाहिए और 3 to 6 मंथ तक क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आप से, ओहो एक बार हो जाए तो फिर तो दर्शकों, जैसे कि आपने जाना कि डॉक्टर ने आपको क्या क्या एडवाइस दिया, प्लीज आप उन एडवाइजों को फॉलो करें। और हम डॉक्टर से चर्चा करने जा रहे हैं कि डॉक्टर आपको बताएंगे, डॉक्टर आप हमें ये बताइए कि 6 to 9 मंथ में जो महिलाएं होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के समय, उनको उस समय पे क्या ध्यान में रख के रहना चाहिए, मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए उनको। देखिए, 6 to 9 मंथ हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर हो गया है ना, तो इस समय सबसे जरूरी है बच्चे की मूवमेंट। ज्यादातर फीमेल्स को 5वें महीने के बाद बच्चा अच्छे से अंदर हिलता हुआ महसूस होना चाहिए। बच्चा जो है कम से कम 8 से 10 बार एक दिन में, मीन 24 घंटे के अंदर मूव कर जाना चाहिए। देखिए, बच्चा एक जिंदा चीज है जो हिलेगा भी और सोएगा भी अंदर, तो ऐसा नहीं कि बच्चा पूरा दिन या 24 घंटे अंदर हिलेगा, बट आपको कम से कम बच्चे की मूवमेंट, जो मदर है उसको 8 से 10 बार बच्चे की मूवमेंट परसीव होनी चाहिए मदर को। इससे ज्यादा घूम रहा है तो इट्स ओके, आप जाके अपने डॉक्टर को दिखा दें, लेकिन अगर इससे कम घूम रहा है तो इसका मतलब आपको जरूर डॉक्टर के पास जाके बताना है। दूसरी बात है, आखिर के दिनों में बीपी की समस्या काफी बढ़ जाती है कुछ लोगों में, तो अगर आपको कुछ भी परेशानी है, जैसे कि अगर आपको मैला आ रहा है या पानी आ रहा है या फॉर दैट मैटर कोई भी परेशानी है, आप अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिलिए। बच्चा वैसा नहीं घूम रहा है जैसा रोज घूमता था, ऐसा नहीं कि वो घूम नहीं रहा है, लेकिन उतना नहीं घूम रहा है जितना रोज घूमता था, ये भी लक्षण है डॉक्टर के पास जाके मिलने के लिए। तो लास्ट के ट्राइमेस्टर में सूजन आ गई, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप डॉक्टर से जाके मिलके और एडवाइस से दवाइयां लीजिए। बिना कंसल्टेशन के कोई भी दवाई आपको नुकसान कर सकती है। डॉक्टर, इसमें हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ऐसे आपने बताया कि 1 to 3 का बता दिया, आपने 3 to 6 बताया, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जब लास्ट टाइम चल रहा होता है, इस टाइम पे बोलते हैं कि बहुत सी महिलाओं को भूख ज्यादा नहीं लगती है और मतलब उनको नींद ज्यादा आती है, तो मतलब वो मेडिसिन लेने में भी उनको ये लगता है इतने टाइम से खा रहे हैं, बंद कर देनी चाहिए, अब तो नॉर्मली सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, ज्यादा नींद आना कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, है ना? तो अगर आपको नींद ज्यादा आ रही है तो इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं, नींद ज्यादा आ रही है सो जाइए, ठीक है? तो नींद किसी को ज्यादा आ रही है वो थकान की वजह से, क्योंकि शरीर में एक और चीज है अंदर जो बढ़ रही है, हर रोज बढ़ रही है और हर रोज हिल रही है, तो आपको थकान तो महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि भूख कम लगने की वजह तो एक्चुअली बच्चा है, ये बच्चा अंदर जगह घेरने लगता है, तो आपको उतना खाने का मन नहीं करता, आप वैसे नहीं खा सकते जैसे आप पहले खाते थे, ठीक है? तो थोड़ी बहुत तो भूख कम होती है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी मील्स आप डिवाइड करिए, एक बार में पेट भर के खा लेंगे तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा खाना एक बार में खाइए, और खाना आपका बहुत हल्का होना चाहिए जो डाइजेस्ट करने में आसानी हो, तब आपको अगली बार भूख लगेगी। और उसके बाद भूख बढ़ाने की दवाइयां वगैरह होती है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको उसके हिसाब से कंसल्टेशन देंगे, आप लीजिए दवाइयां, उनसे भी बहुत फायदा होता है। और डॉक्टर, इसमें अगर सावधानियां के बारे में बताना चाहे कि लास्ट टाइम पे मतलब जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती होती है, उनको अपने अंदर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि बच्चे में कोई ऐसा गलत प्रभाव ना पड़े या अबॉर्शन होने के चांसेस ना रह जाए? देखिए, ज्यादातर जो अबॉर्शन होते हैं वो तो शुरुआत के दिनों में ही होते हैं ना, तो शुरुआत के दिनों में की सावधानियां तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये है, आखिरी के दिनों में पेट पीछे पीठ में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, बैक एक बहुत कॉमन समस्या है, उसके लिए एक जो बहुत सरल सा, क्या आप हमेशा उल्टी करवट लेके लेटे, उल्टी करवट लेके लेटेंगे तो बच्चे को ब्लड सप्लाई भी अच्छी जाती है और आपका बैक एक काफी हद तक रिलीव हो जाता है। बाकी भी मेडिसिन खानी पड़ती है कुछ लोगों को जिनको सीवियर बैक एक होता है या कुछ भी और समस्या होगी, तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, वो आपका डॉक्टर एज पर योर प्रॉब्लम्स वो आपको लिख के देंगे दवाइयां। तो दर्शकों, जैसे कि आपने अब डॉक्टर ने बताया कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको 1 मंथ से लास्ट मंथ तक बता दिया, अब आप उन्हीं सब बातों को फॉलो करिए, अपना ध्यान रखिए। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लास्ट टाइम हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
प्रेगनेंसी इज नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब वो कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर जो कि एक फीमेल इज अंडरगोइंग फॉर नेक्स्ट 9 months, है ना. सो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस ऑफ अ फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको खुश रखिए ताकि अगर माँ खुश होगी तो बच्चा बहुत बढ़िया होगा. मेंटल पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप माँ को खुश रखिए. बाकी जनरल हेल्थ जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, जैसे चल रही है वैसे आप चलने दीजिए. कोई कॉम्प्लिकेशन है तो दवाइयाँ लीजिए, अदरवाइज प्रेगनेंसी इज कम्प्लीटली अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही है. मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार.